क्योंकि 13,000 सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें एनपीएस के अंदर थे पहले जो लोग, अब उन्हें जो है वहां से शिफ्ट करके ओपीएस में कर दिया है और ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया गया है। और ये सरकार जो है उसने वादा किया था कि हम जो है जैसे ही सरकार में आएंगे तो हम जो है एनपीएस में शिफ्ट करेंगे आप लोगों को और हम ओपीएस में शिफ्ट कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि सरकार का नियम है कि अब जो है जितने भी मुलाजिम हैं जो एनपीएस का जो ओपीएस के दायरे के अंदर आते थे उन्हें अब ओपीएस के दायरे के अंदर नहीं लाया जाएगा, उन्हें एनपीएस के दायरे के अंदर लाया जाएगा जिसमें प्रावधान ये है कि आपको जो है वो पेंशन का प्रावधान खत्म हो जाता है। आपको पेंशन जो है वो पहले नहीं मिलती और पहले जो मिलती थी अब नहीं मिलेगी और उसके अलावा आपको इकट्ठा जो आपका जीपीएफ है उसके साथ आपका जो बेनिफिट रहता है जो पेंशन के हिसाब से आपको मिलता था वो सरकार जो है इकट्ठा आपके अकाउंट में जो है वो डाल देगी, उसके बाद आपकी मर्जी उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर सके। लेकिन देश भर के सरकारी कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमें जो है ये व्यवस्था नहीं चाहिए। जम्मू के अंदर भी 4 दिन की हड़ताल जो थी रेलवे कर्मचारियों ने की, देश भर के अंदर व्यापक आंदोलन जो है वो भी चल रहा है, वो एनपीएस को लेकर चल रहा है कि एनपीएस हमें नहीं चाहिए, हमें ओपीएस के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं बहने हैं जो एनपीएस के दायरे के अंदर आती है या फिर आते हैं और उन्हें लगता है कि एनपीएस का फायदा हमें नहीं चाहिए और हमें ओपीएस का फायदा चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कर्नाटक के अंदर भी, पहले हिमाचल के अंदर सरकार बनाई और उसमें मैनिफेस्टो उसने डाला कि हम जो है सरकार जब सत्ता में आएंगे तो हम जो है ओपीएस को लागू करेंगे। तो उन्होंने पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर उस जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था उसका वादा पूरा किया, तो अब जो है ये दूसरा वादा उन्होंने कर्नाटक के अंदर किया है क्योंकि कर्नाटक के अंदर भी इस समय कांग्रेस की सरकार है और वहां पर जो उनके चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लगभग 13,000 से ज्यादा कर्मचारी है वहां के जिन्हें जो है जो ओपीएस में जो है वो शिफ्ट कर दिया है जो लोग एनपीएस के दायरे के अंदर आते थे। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद है, सबसे पहले तो शुभकामनाएं उन कर्मचारियों को जिन्होंने ओपीएस को लागू किया, जिन्होंने जो ओपीएस के दायरे के अंदर आए और उस सरकार को भी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर, बड़े सारे मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए जाते हैं लेकिन कुछ पार्टियां ही होती हैं जो उन्हें पूरा करती हैं, लेकिन उन्हें पूरा किया गया है और ये पूरा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की कर्नाटका सरकार ने अपने मुलाजमों को जो है ये तोहफा दिया है और ये तोहफा जब उन्हें मिला है तो गदगद हो गए हैं वहां के सरकारी कर्मचारी, लेकिन देश के बाकी कर्मचारी जो है वो टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हमें जो है मोदी सरकार कब जो है हमें भी जो है एनपीएस से शिफ्ट करेगी और हमें ओपीएस में लाएगी और हमारे भी जो है पेंशन लगेगी, हमें भी जो है जीपीएफ जो है उस तरीके का मिलेगा, हमें एनपीएस की व्यवस्था नहीं चाहिए। लेकिन लगातार केंद्र सरकार की अगर बात की जाए यानी कि मोदी सरकार जो है वो यही कह रही है कि हम जो है एनपीएस में बदलाव करेंगे, एनपीएस के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें लाएंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो है टेक्निकल चीजें चेंज की जाएंगी जिसका बेनिफिट जो है ओपीएस के साथ ही आपको मिलेगा, यानी कि ओपीएस की तरह ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देश भर के अंदर लाखों की तादाद के अंदर सरकारी कर्मचारी जो है वो इसके खिलाफ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका एनपीएस, हमें चाहिए तो ओपीएस। उन्होंने काम जो हड़ताल का भी जो थी वो चेतावनी दी थी, जो इनके जो बैनर तले जो है इनका एजिटेशन चल रहा है उन्होंने साफ तौर पर हस्ताक्षर किए और ये लाखों के तादाद में हस्ताक्षर हुए, सरकार को विज्ञापन सौंपे गए, सरकार को मेमोरेंडम सौंपे गए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई मंथन जो था वो नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव जो है अप्रैल मई में ड्यू है, कभी भी शंखनाक उनका हो सकता है फरवरी में, तो ये जो है ये अटकलें लगाई जा रही है क्या भाजपा एक टैक्टिकल मूव खेलेगी ओपीएस की अनाउंसमेंट करके, क्योंकि अगर राज्यों के अंदर सरकारें जो है भाजपा की नहीं रहेगी, राज्यों के अंदर कांग्रेस जो है अपने वोटर्स को अपने सरकारी कर्मचारियों को ये कहेगी कि हमें जो है वो आप लोगों को हम ओपीएस देंगे, एनपीएस हम खत्म कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। क्योंकि हिमाचल के अंदर भी यही हुआ, वहां के लोगों को, वहां के वोट बैंक को जब कहा गया कि हम आपको एनपीएस से हटाकर ओपीएस में लाएंगे, तो तब वहां की जितनी भी जनता थी उन्होंने भरपूर वोट दिया कांग्रेस को और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बन गई और वहां की जो सरकार थी उन्होंने ओपीएस भी लागू किया, वहां के लोगों को ओपीएस मिलना भी शुरू हो गया। और अब आप सोचिए कि देश के अंदर कर्नाटका के अंदर इलेक्शन हुए तो कर्नाटका के अंदर भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने यही डाला और कहा कि हम जो है
सरकार में अगर आएंगे तो हम आपको ओपीएस देंगे जी, आपका ओपीएस लागू कर देंगे, सरकार ने जो बंद किया है हम आपको ओपीएस देंगे। तो अब आप सोचिए कि वहां की सरकार ने भी मैनिफेस्टो का वादा पूरा किया और 13,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी है जिन्हें एनपीएस से शिफ्ट करके ओपीएस में लाया गया है। तो इससे बड़ी राहत की बात उन कर्मचारियों के लिए क्या होगी जो लगातार एजिटेशन कर रहे थे और उनकी डिमांड्स जो है किसी और ने नहीं बल्कि जिसको उन्होंने वोट दिया उन्होंने ही पूरी की। तो अब भाजपा का तो दावा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन देखना होगा क्या मोदी सरकार जो है उनको ओपीएस देगी, क्या ओपीएस मिलना चाहिए।